अलवरगढ़ थाना अंतर्गत मदार रेलवे स्टेशन स्थित रेलवे क्वार्टर से अज्ञात चोर ताले तोड़कर हजारों की नकदी सहित कुछ दस्तावेज चुरा कर ले गए। पीड़ित ने बताया कि जब चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने नाका मदार पुलिस चौकी पहुंचे तो पुलिस चौकी पर ही ताला लटका हुआ था। मदार रेलवे स्टेशन पर कार्यरत महेश कुमार ने बताया कि बीती रात क्वार्टर पर ताला लगाकर काम पर चला गया। वापस आकर देखा तो ताले टूटे पड़े थे और अलमारी में रखे नकदी और जरूरी दस्तावेज चोरी हो चुके थे। सुबह 6:15 बजे करीब गांव जाने के लिए मेरा रेस्ट था, तो मैं गांव जाने के लिए आया। जैसे ही तो मैंने ताला लगाया, चाबी लगाई ताले में, तो कुंदा मेरा हाथ में आ गया। अंदर जाकर मैंने देखा तो देखा सारा सामान बिखरा हुआ था। कुंदा हाथ में आने के बाद मैं जैसे ही अंदर गया तो सामान मेरा बिखरा हुआ था। पलंग अलंगा टेची वटेची खुली थी, मंदिर के नीचे 4,500 रुपए रखे थे। बस वो लेके गए और सामान मतलब और कुछ नहीं लेके गए, सामान वामान सब था बिखरा हुआ पड़ा था। मैं बंद करके स्टेशन पे गए, स्टेशन पे बोला तो बोला RPF मत जाकर। वहीं महेश के क्वार्टर के नजदीक रहने वाले नाथू सिंह के यहाँ भी चोरों ने ताले तोड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। मैं घर पे आया, क्वार्टर पे आया, जब देखा कि ताले में मोच आई हुई है, कुंदा उंदा टेढ़ा था लेकिन उनसे खुला नहीं, तो चोरी से बच चुका हूँ। चोर आए हुए थे। ब्रह्मपुरी इलाके में गुरुवार को दुकानदार की सजगता से एक सड़क छाप चोर को वारदात को अंजाम देने से पहले ही स्थानीय लोगों की मदद से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। चोर को पुलिस के हाथों सौंपने से पहले गुस्साए लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर डाली। स्थानीय लोगों की मौजूदगी में जमीन पर लेटा ये एक ऐसा शातिर चोर है जो चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद कुछ इसी तरह से खानाबदोशों की तरह जमीन पर सोकर पुलिस और पब्लिक दोनों को गुमराह करता था। इस चोर की हरकतों की जानकारी का खुलासा तब हुआ जब ब्रह्मपुरी इलाके के एक CCTV कैमरे में चोर की करतूत कैद हो गई। हालांकि चोर दुकान में चोरी तो नहीं कर पाया, परंतु जब दुकानदार ने दुकान के बाहर लगे CCTV के फुटेज को खंगाला तो एक बुजुर्ग चोर लोहे के बड़े एंगल को चुरा कर ले जाता हुआ नजर आ गया। उसी आधार पर स्थानीय लोगों ने उसी की तलाश शुरू की तो दुकान से कुछ ही दूरी पर यह चोर खानाबदोशों की तरह सोता हुआ पाया गया। पहले तो लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर डाली। सरेराह की जा रही इस पिटाई को रोकने की किसी ने भी जहमत नहीं उठाई। लोगों का आरोप है कि चोर को पकड़े जाने की सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंच रही है। अभी तक किसी ने भी चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाया है, वहीं पुलिस भी मामले में बोलने को तैयार नहीं है। हमारा सिक्योरिटी का ऑफिस है यहाँ पर ब्रह्मपुरी के अंदर, तो वहाँ पर हमारे होर्डिंग की एक एंगल्स होया करती थी यहाँ पर, तो हमने गेट के बाहर रखी थी। तो कल 5 बजे की वारदात है, ये व्यक्ति एंगल उठा के ले जा रहा था। हमने CCTV फुटेज के आधार पर इसको देखा, रिसर्च किया, शाम को भी काफी ढूंढा। जो हमने इससे एंगल के लिए पूछा तो ये बोल रहा है कि मैंने एंगल 100 रुपए में बेच दी है पड़ाव में किसी को, लुहार को। तो हमने से पूछा तो हमको गुमराह कर रहा है कि किसको बेची क्या करा। ये ऐसे ही करता है, सारे सामान यहाँ से उठा के ले जाता है कहीं से भी जाम।